गुलेरिया थाने की पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी कर रुपया गबन करने के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान आजिम खां पुत्र अमीन खां निवासी तरकुलवा परतावल थाना श्याम देवरवा जनपद महाराजगंज, दूसरा गुफरान पुत्र बहाउद्दीन निवासी छातीराम थाना श्याम देवरवा जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है, जिनके पास से 3 कूटरचित हवाई यात्रा टिकट, 2 कूटरचित आधार कार्ड, 1 कलर्ड प्रिंटर, 1 सीपीओ को बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त अजीम अपना नाम बदलकर प्रिंस बताकर विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन पैसा मंगवाकर मोटी रकम हड़प कर अपने अभियुक्त गुफरान की मदद से उसकी दुकान पर 7 स्टार प्रिंटिंग प्रेस से हवाई यात्रा की कूटरचित टिकट कंप्यूटर से एडिट कर बनवाकर लोगों को देना व अभियुक्त अजीम द्वारा स्वयं भी अपना कूटरचित आधार कार्ड प्रिंस के नाम से बनवाकर ठगी के कार्य में उपयोग में लेना, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलेरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, उप निरीक्षक शेष कुमार, हिमांशी पांडे, कांस्टेबल मिथिलेश कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, कल थाना गुलेरिया की टीम ने 2 फ्रॉड करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लोगों से मोटी रकम लेकर के और फर्जी अभिलेख, कूटरचित अभिलेख तैयार करते थे और उनके बेस पे विदेश भेजने की तैयारी करते थे। इसके पहले भी ये 2 बार जेल जा चुके हैं और इस बार इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, कूटरचित और प्रिंटर ये सब बरामद हुआ है। इनको दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, अभी तक कितने घटनाओं का बता रहे हैं? 3 घटनाओं के बारे में अभी बताया है और कई लोगों को इन्होंने विदेश भेजने के नाम पे पैसा लिया है कई लोगों से और लगातार इसी प्रयास में रहते हैं। ये 2017 से इस काम में लगे हुए हैं और अभी तो फिलहाल ये 2 लोग पकड़ में आए हैं। अभी इनके पूछताछ में और भी नेटवर्क में जो लोग होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।